बिना यूट्रस निकाले फाइब्रॉइड का ऑपरेशन कैसे होता है, सर्जरी से पहले हमें कौन सी बातें पता होनी चाहिए, ऑपरेशन का दिन कैसा रहेगा, ऑपरेशन के बाद क्या परहेज रखने होते हैं, कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको दूंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति तिवारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ यानी कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि फाइब्रॉइड की वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं और उनके लिए क्या इलाज होता है। जिन फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट मेडिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, दवाइयों और इंजेक्शन से जिन केसेस में पूरा आराम नहीं मिल पाता, उनमें हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। रसौली या फाइब्रॉइड्स के लिए मेनली दो तरह की सर्जरी होती है, मायोमेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी। मायोमेक्टमी में हम यूट्रस से सिर्फ फाइब्रॉइड को अलग करके बाहर निकाल देते हैं और यूट्रस को अपनी जगह पर सकुशल छोड़ देते हैं, जबकि हिस्टेरेक्टमी में हम पूरा यूट्रस ही बाहर निकाल देते हैं। आज हम मायोमेक्टमी के बारे में डिस्कशन करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम हिस्टेरेक्टमी के बारे में बात करेंगे। मायोमेक्टमी सर्जरी मेनली उन पेशेंट्स में की जाती है जिनकी उम्र कम है, जिनका परिवार पूरा नहीं हुआ है, जो आगे जाकर फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, और जिनके केस में कम फाइब्रॉइड है और छोटे साइज के फाइब्रॉइड हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपका परिवार पूरा हो चुका है, आपके बड़े फाइब्रॉइड हैं या फाइब्रॉइड की संख्या ज्यादा है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको हिस्टेरेक्टमी कराने की सलाह दें। अगर मायोमेक्टमी का डिसीजन लिया जाता है तो आपके डॉक्टर आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी तकनीक से मायोमेक्टमी करने वाले हैं। मेनली मायोमेक्टमी की तीन तरह की तकनीक होती हैं। पहली टेक्निक है ओपन या अब्डोमिनल मायोमेक्टमी, जो एक ट्रेडिशनल ओल्ड फैशन टेक्निक है। आजकल हम सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में इस तकनीक को यूज करते हैं जिनमें फाइब्रॉइड बहुत बड़े साइज का होता है। इस टेक्निक में पेट पर एक चीरा लगाया जाता है जो चौड़ाई या लंबाई में हो सकता है। फिर एक एक करके हम पेट के अलग अलग लेयर्स को खोलते हैं और यूट्रस तक पहुंचने के बाद बड़ी ही सावधानी से फाइब्रॉइड को यूट्रस से अलग किया जाता है। फिर सर्जिकल सूचर्स यानी टांकों की मदद से हम यूट्रस को उसके वापस पुराने नॉर्मल शेप और साइज तक पहुंचा देते हैं। फाइब्रॉइड को बाहर निकाल दिया जाता है और एक एक करके पेट की लेयर्स को वापस क्लोज कर दिया जाता है, स्किन पे टांके लगा दिए जाते हैं। सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस यानी ब्लीडिंग, पेन, इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए आजकल ये टेक्निक बहुत ही सीमित केसेस में यूज़ की जाती है। जो तकनीक आजकल हम प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, वो है लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी यानी दूरबीन की सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक टेक्निक में पेट पर चार या पाँच छोटे छोटे चीरे आते हैं, फिर दूरबीन की मदद से हम आपके यूट्रस तक पहुँचते हैं, फाइब्रॉइड को केयरफुली यूट्रस से अलग कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं और यूट्रस को वापस सिल देते हैं और पेट पर भी टांके लगा देते हैं। इस तकनीक को कुछ केसेस में हम यूज़ नहीं कर पाते, खासकर अगर पेट में बहुत सारे एडहेशंस हों, बहुत ज़्यादा चिपका चिपकी हो या फिर फाइब्रॉइड का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उन केसेस में हमें फिर ओपन मायोमेक्टमी ही करनी पड़ती है। लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, कॉम्प्लिकेशन रेट कम होता है, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, पेन के चांसेस कम होते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये एक ज़्यादा जटिल और एडवांस टेक्निक है और कुछ सेंटर्स पे ये तकनीक उपलब्ध नहीं होती है। एक तीसरी तकनीक हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी भी हम कुछ केसेस में यूज़ कर पाते हैं। जिन पेशेंट्स में फाइब्रॉइड यूट्रस में अंदर की तरफ यानी सबम्यूकस मायोमा हो, उन केसेस में ही हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी की जा सकती है। छोटे सबम्यूकस मायोमा होने पर हम नीचे के रास्ते वजाइना से एक दूरबीन डालकर बच्चेदानी में प्रवेश कर सकते हैं और फाइब्रॉइड को बाहर निकाल सकते हैं। इस सर्जरी में पेट पर कुछ चीरे या टांके नहीं आते हैं और रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, पर इस सर्जरी की मेजर लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ही लिमिटेड केसेस में की जा सकती है। बहुत ही अच्छी तरह सोच विचार कर और आपसे डिस्कशन करने के बाद ही आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके केस में कौन सी सर्जरी की जाएगी और कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सर्जरी से कुछ दिन पहले आपकी डॉक्टर आपका एक कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ बेसिक टेस्ट कराएंगे ये कंफर्म करने के लिए कि आप सर्जरी के लिए एक सेफ कैंडिडेट हैं या नहीं। ब्लड टेस्ट की मदद से आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, प्लेटलेट काउंट, लिवर और किडनी फंक्शन असेस किया जाएगा। ईसीजी, यूरिन टेस्ट और ब्लड प्रेशर जैसे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करानी जरूरी होती हैं। एक चेस्ट एक्सरे भी कराया जाएगा। कुछ केसेस में हम अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसे इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे है और कितना बड़ा है।
ये सारी जांचें कराने के बाद ही आपके डॉक्टर कंफर्म कर पाते हैं कि आप सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं। अगर आपके शरीर में खून की मात्रा कम है तो आपके डॉक्टर आपको सर्जरी से पहले खून बढ़ाने के इंजेक्शन लगवाने की या आयरन की टैबलेट्स लेने की सलाह भी दे सकते हैं। कुछ केसेस में हम सर्जरी से 2-3 महीने पहले GnRH agonist नाम के इंजेक्शन लगवाते हैं जो महीने में एक बार लगाना होता है। इस इंजेक्शन से फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक हो जाता है, फाइब्रॉइड छोटा हो जाता है, जिससे सर्जरी कम जटिल होती है और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आमतौर पर हम सर्जरी से एक दिन पहले मरीज को अस्पताल में भर्ती करते हैं। भर्ती होने के बाद कुछ बेसिक तैयारी की जाती है जिसे हम प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन कहते हैं। पेट साफ करने के लिए आपको कुछ दवाई दी जाएगी। आपके ऑपरेशन के हिस्से में बाल हटा दिए जाएंगे जिसे पार्ट प्रिपरेशन कहा जाता है। अगर आपने कुछ ज्वेलरी पहनी हुई है या हाथ पैर में धागे बांधे हुए हैं तो उनको भी उतारना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। सर्जरी से करीब 8-10 घंटे पहले आपको बता दिया जाएगा कि अब आपको निल पर ओरल यानी NPO होना है। इसका मतलब है कि उस टाइम के बाद आप मुंह से कुछ भी नहीं ले सकते, कोई खाना पानी नहीं ले सकते, पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकते। और अगर आपने इस नियम को फॉलो नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन रहे, इसलिए हो सकता है कि रात को आपको इंट्रावीनस फ्लूइड्स दिए जाएं, आपको इंजेक्शन के माध्यम से पानी की बोतल चढ़ाई जाए। सर्जरी के दिन सवेरे आपको नहाने के बाद OT ड्रेस पहनने के लिए दी जाएगी, यानी वो कपड़े जिनको पहनकर आप ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करेंगे। ऑपरेशन से पहले आपको एक प्री ऑपरेटिव कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा, यानी आपको एक कागज दिया जाएगा जिसपे सर्जरी से संबंधित सारी डिटेल्स लिखी होंगी, आपको क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होंगे, सर्जरी कैसे की जाती है, इसके मामले में जानकारी दी जाएगी। आपको वो फॉर्म साइन करना ज़रूरी होगा और उसके बिना आपकी सर्जरी नहीं होगी। इस तरह की कोई भी सर्जरी कराने से पहले ध्यान रखें कि आपके साथ में किसी अटेंडेंट का, किसी परिवार के सदस्य या किसी मित्र का होना ज़रूरी है। आप अकेले अस्पताल में नहीं रह सकते हैं। ऑपरेशन से पहले आपको कुछ दवाइयाँ भी दी जाएंगी जो मेनली एंटीबायोटिक्स होते हैं ताकि आपको सर्जरी में कोई इन्फेक्शन ना हो। कुछ केसेस में हम एक गोली भी देते हैं जिससे बच्चेदानी का मुंह खोलने में आसानी होती है। ऑपरेशन से करीब 1-2 घंटे पहले आपको रिकवरी रूम में या ऑपरेशन थिएटर के बाहर ले जाया जाएगा। OT में प्रवेश करने के बाद आपको ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया जाएगा। एनेस्थीसिया के डॉक्टर आपको बताएंगे कि वो आपको किस तरह का एनेस्थीसिया देने वाले हैं। मायोमेक्टमी में हम 2 तरह का एनेस्थीसिया दे सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को पूरी तरह सुला दिया जाता है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही आपकी नींद खुलती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में आप पीठ पर एक इंजेक्शन लगाकर आपकी पीठ के नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न कर दिया जाता है। आप ऑपरेशन के दौरान जागते रहते हैं पर आपको किसी तरह का दर्द नहीं होता, कोई दुखन नहीं होती। आपको कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाना है ये निर्णय बेहोशी के डॉक्टर ही करते हैं, ये उन्हीं का डिसीजन होता है। ऑपरेशन के दौरान पूरे टाइम एनेस्थीसिया के डॉक्टर आपके साथ ही रहेंगे। यही डॉक्टर क्रिटिकल केयर में भी ट्रेंड होते हैं और किसी भी तरह का क्रिटिकल कंडीशन होने पर ये डॉक्टर ही आपकी सहायता करते हैं, आपका बचाव करते हैं, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑपरेशन के दौरान जहाँ एक तरफ एनेस्थीसिया के डॉक्टर आपको सपोर्ट करने के लिए होंगे, वहीं दूसरी तरफ आपके सर्जन आपकी सर्जरी कर रहे होंगे। लैप्रोस्कोपिक, ओपन या हिस्टेरोस्कोपिक टेक्निक्स, तीनों ही मेथड्स में सर्जरी में करीब 1-2 घंटे का समय लगता है। सर्जरी के दौरान आपको इंट्रावीनस फ्लूइड्स दिए जाएंगे और आपको एक यूरो बैग यानी पेशाब की थैली भी कनेक्ट की जाएगी ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको सही मात्रा में यूरिन बन रहा है या नहीं। ऑपरेशन के बाद आपको एक रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाएगा जहां अगले 1-2 घंटे तक आपको अच्छी तरह देखा जाएगा, आपकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी। और एक बार जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप खतरे से बाहर हैं, आप पूरी तरह स्टेबल हैं, उसके बाद ही आपको आपके रूम में ट्रांसफर किया जाएगा। सर्जरी के बाद पहले 4 घंटे में आपको कुछ भी खाने पीने की परमिशन नहीं होती है। 4 घंटे बाद हम आपको सिप्स ऑफ वाटर अलाउ करते हैं, यानी आप पानी के 1-2 घूंट ले सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपके डॉक्टर आपको पहले लिक्विड डाइट और फिर ग्रेजुअली सॉलिड डाइट अलाउ करेंगे। यूजुअली हम मायोमेक्टमी के करीब 12-24 घंटे बाद आपको एक प्रॉपर मील लेने की सलाह देते हैं। यूरो बैग यानी पेशाब की थैली को भी ऑपरेशन के 12-24 घंटे बाद ही निकाला जाता है। हमारा आपको सुझाव होता है कि जितनी जल्दी हो सके आप मोबिलाइज करना शुरू करें,
यानी जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करें आपको अपने हाथ पैर की उंगलियां, शोल्डर्स, एल्बोज और नीज पे मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए और अपने बेड में ही करवट बार बार बदलते रहनी चाहिए। इससे आपकी जल्दी रिकवरी होगी और शरीर में खून के थक्के जमा होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। जनरल एनेस्थीसिया के बाद कुछ देर तक ड्राउजीनेस रहती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। शुरू के 24 घंटे में हम आपको सिरहाना ऊंचा करने को नहीं अलाउ करते हैं। अगर आपने शुरू के 24 घंटे में ज्यादा देर तक सिरहाना ऊंचा रखा तो आपको सिर में काफी तेज दर्द हो सकता है, इसलिए जहां तक हो सके फ्लैट लेटे रहें और वैसे ही अपने आप को मोबिलाइज करते रहें, हाथ पैर हिलाते रहें, करवटें बदलते रहें। रिकवरी जल्दी होगी, अच्छी होगी। मायोमेक्टोमी के बाद करीब 12 से 24 घंटे तक इंट्रावीनस फ्लूइड्स दिए जाते हैं और 2 से 3 दिन तक इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद रिकवरी जल्दी होती है, इसलिए आपकी छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। हर अस्पताल का नियम अलग होता है। आमतौर पर दिल्ली NCR के हॉस्पिटल्स में हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद 1 से 3 दिन के अंदर आपकी छुट्टी करते हैं और ओपन मायोमेक्टोमी के बाद 3 से 8 दिन के अंदर आपकी छुट्टी की जाती है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि आपके केस में प्रोटोकॉल क्या रहेगा, आपको कितने दिन अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी। घर जाने के बाद भी आपको अगले 6 हफ्ते तक कुछ बेसिक प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। अगले 6 वीक्स तक कोई भी भारी काम नहीं करना, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, जिम नहीं जाना और एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। आप हल्के फुल्के एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, बस स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या कॉफिंग की शिकायत है, यानी आपको बहुत लंबे टाइम तक खांसी रहती है या कब्ज बनती है, तो भी अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, क्योंकि खांसी या कब्ज की वजह से जो जोर पड़ता है उससे भी टाँकों पर असर पड़ सकता है। अपने स्टिचेस का ध्यान कैसे रखना है इसके बारे में डॉक्टर आपको पहले ही पूरी जानकारी दे देंगे। आजकल हम लोग यूजुअली जो ड्रेसिंग यूज करते हैं वो वाटरप्रूफ होती है, इसलिए नहाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर फिर भी मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि नहाते वक्त टाँकों वाले हिस्से में कोई प्लास्टिक की शीट बांध लें या कोई भी वाटरप्रूफ आइटम यूज कर लें, ताकि वह हिस्सा गीला ना हो, आपके मन में कोई वहम ना आए। टाँके हम 2 तरह के लगाते हैं। कुछ केसेस में हम सेल्फ डिजॉल्विंग स्टिचेस लगाते हैं जो अपने आप घुल जाते हैं, उन्हें निकलवाना नहीं पड़ता, पर कुछ पेशेंट्स में वो टाँके लगाए जाते हैं जिन्हें निकलवाने के लिए उन्हें अस्पताल आना पड़ता है। अपने डॉक्टर से पहले ही जान लें कि आपके केस में कौन से टाँके लगाए गए हैं और आपको फॉलो अप के लिए कब आना है। यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद करीब 7 से 10 दिन में पेशेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपनी डेली एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन सर्जरी के बाद फुल कंफर्ट आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, करीब 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। मायोमेक्टोमी के बाद आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना लिक्विड इनटेक बहुत हाई रखें और डाइट में फाइबर ज़्यादा अमाउंट में लें, पानी का अमाउंट अधिक रखना है और खान पान में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, छिलके वाली दालें, दलिया और ओट्स को इंक्लूड करना बिल्कुल ना भूलें। प्रोटीन इनटेक हाई रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन अगर शरीर में ज़्यादा होगा तो हीलिंग ज़्यादा जल्दी होगी और ज़्यादा अच्छी होगी। मायोमेक्टोमी एक रिलेटिवली सेफ सर्जरी है, पर दुनिया में कोई भी ऑपरेशन पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस के कुछ ना कुछ चांसेस जरूर होते हैं। मायोमेक्टोमी के साथ एक पॉसिबल सीरियस कॉम्प्लिकेशन है हैवी ब्लीडिंग। कुछ केसेस में सर्जरी के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और हमें मरीज की जान बचाने के लिए हिस्टरेक्टमी करने की जरूरत भी पड़ सकती है। मायोमेक्टोमी के साथ एक और पॉसिबल सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है अगली प्रेगनेंसी में यूट्रस का रप्चर। ये खासकर उन केसेस में ज्यादा कॉमन है जहां सर्जरी के टाइम पे फाइब्रॉइड का साइज ज्यादा बड़ा होता है, या फिर फाइब्रॉइड यूट्रस में अंदर की तरफ हो और फाइब्रॉइड को निकालने के लिए हमें यूट्रस को पूरी तरह खोलना पड़े। ऐसे केसेस में हम आपको पहले से ही सलाह दे देते हैं कि अगली प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको वक्त रहते सिजेरियन डिलीवरी करा लेनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी का या दर्दों का इंतजार नहीं करना चाहिए। इनके अलावा कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस भी संभव होते हैं। कुछ केसेस में सर्जरी के बाद ज़्यादा पेन होने के चांसेस होते हैं, पेशेंट को सीवियर पेन हो सकता है या इन्फेक्शंस भी होने की पॉसिबिलिटी होती है, और इनसे बचने के लिए हम आपको कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स लेने की सलाह देते हैं। ये दवाइयाँ आपको सही ढंग से नियमित तौर पर लेनी चाहिए जितने दिन तक आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है। अगर सर्जरी के बाद आपको सर्जिकल साइट से, यानी जहाँ आपका वुंड है, जहाँ आपको टाँके आए हैं वहाँ से, या नीचे के रास्ते गंदा पानी जाए, मवाद जाए या ब्लीडिंग हो, तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए।
टेक होम मैसेज ये है कि मायोमेक्टमी एक सेफ प्रोसीजर है, बशर्ते कि उसको एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट से कराया जाए, किसी नीम हकीम या लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप एक ट्रेंड डॉक्टर से अपनी सर्जरी कराते हैं तो आप सेफ रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं, और बाय चांस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो सही ढंग से मैनेज किया जा सकता है। इसलिए मायोमेक्टमी की सर्जरी से न डरें, बस ध्यान रखें कि आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना है। आशा है आज मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाई हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल सर्जी वाइज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।